आप लाइफ में सब कुछ इतने सावधानी से कर रहे हो, कब कहीं फेल नहीं हो रहा ना, तो बाय डिफॉल्ट लाइफ में फेल हो, बाय डिफॉल्ट फेल हो। अब कार चलाने के रोड पे निकलोगे, ड्राइविंग द बेस्ट और द बेस्ट पॉसिबल स्किल, बट व्हाट इफ हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ रेडर न्यूज। तो आज हमारे पॉडकास्ट में है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम अगर आप कभी भी हमारे वेबसाइट को विजिट किए होंगे पिछले 2 ईयर्स में, तो आप वहाँ पर एक फंक्शन देखते होंगे वन टैप विजुअल मीनिंग का, जिसको कि हमने पहले भी प्रमोट किया है और काफ़ी सारे जो बाकी ब्लॉगर्स हैं उनके हेल्प से हमने उसको इंटीग्रेट करवाया है, क्योंकि हमारे जो रीडर्स हैं उनको हमारी वेबसाइट पर वो वन टैप विजुअल मीनिंग के सहारे से आज रीडिंग करना काफ़ी आसान हो गया है। और उस कंपनी का नाम है मैकटैब, और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो उसी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है, मिस्टर सत्यपाल चंद्र सर। सो सत्यपाल चंद्र सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म रेडर न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच फॉर वार्म एंड एलिक्वेंट इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन टू मी, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जर्नी के बारे में हमने पहले भी सुना है, कहीं देखा है, पर जो सवाल मैंने भी सोचा था कभी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में आया था कि आपने 10th की पढ़ाई की अपनी, उसके बाद आपने ओपन कोर्सेज से अपने आगे का फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू किया, बट आपने जो ऐप बनाया है जो कि स्टार्टअप इंडिया के तौर पे या फिर भारत के द्वारा किसी कंपनी निर्माण किया, वो एक टेक बैकग्राउंड वाले मैक्सिमम करते हैं या फिर कोई IITians NITians या जो हाई प्रोफेशनल होते हैं, पर आपने उस चीज़ को कैसे अचीव किया कि आपने 10th पास होने के बावजूद भी, आपने एक ओपन कोर्स करने के बाद भी, आपने इतने हाई लेवल टेक प्लेटफॉर्म को रेडी किया, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाया? आई थिंक बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, दो चीज़ होते हैं लाइफ में हर चीज़ के लिए, मुझे करना है मुझे नहीं करना, ठीक है, मुझे नहीं करना, मेरे पास 1000 रीज़न है ना करने के। मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं पास नहीं हूँगा, इसके 1000 रीज़न, आई कैन फिगर आउट 1000 रीज़न नॉट टू डू एनीथिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू जस्ट नीड टू हैव वन स्ट्रॉन्ग रीज़न, I have to do anything, you win the half battle. So, मुझे ये करना है, कैसे करना है और क्या क्या एक्शन लेना है, इसके bifurcation होते हैं। मुझे ये करना है, half battle you have done. Way out करो कि कैसे करना है, उसको bifurcate करो, फिर उस पर एक्शन लो। लुक, मैं हमेशा कहता हूँ, और दिस इज आई थिंक आई डू genuinely बिलीव इन, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड obsession. So, लोग कहते हैं कि वो काम करो जिसमें बहुत मजा है, वो पैशन है, बट जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ पैशन अबाउट समथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल एट अ लार्जर एक्सटेंट। टू बी एट वेरी सक्सेसफुल इन एनी एरिया यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन क्या होता है कि जब तक मन करा तब तक मैं कर रहा हूँ, बट जब मन नहीं करा तब भी मैं कर रहा हूँ। इट्स अ 15-16 hour एवरी डे यू आर sitting and doing something irrespective of मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका लोगों कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट फिगर आउट द रीजन, वन रीजन यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू डू एंड यू हैव टू ऑब्सेस्ड अबाउट इट, दैट्स ऑल। जी, यहाँ पर सर ने बहुत बड़ी बात कही कि जिसको मैं एक समरी के तौर पर बताऊँ कि अगर आपका कुछ आपने मंजिल रखा है, भले आपको रास्ते बदलने पड़े, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट अगर आपका वो चीज़ मुझे करना है तो फिर आपके सामने बहुत सारे रास्ते उस चीज़ को करने के, और नहीं करने के भी काफ़ी सारे वजह है, बट आपको उनसे लड़ना है, उस जो आपका मकसद है उसको पूरा करना है। तो सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने कुछ कंपनीज खोली थी जो कि न्यूज़ की कंपनी थी, मीडिया कंपनी थी, फिर आपने अचानक से अपने डोमेन को शिफ्ट किया टेक की ओर, तो अधिकतम लोग देखते हैं एक कंपनी के फेलियर करते हैं वो दूसरी उसी डोमेन में यूज करते हैं, अपने फेलियर सीखते हैं, बट आपने मीडिया से फिर टेक की ओर जो मूव किया वो कैसे पॉसिबल हो पाया? मेरा आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या करते हैं लोग, मूव ऑन करते हैं, इफ आई वर्क इन सम सेक्टर एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग मे बी मैं इसी में मूव कर लूंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिला। मेरे लिए कंपनी में काम करने का जो मेरा पर्सनल लॉजिक है, इट्स मोर अबाउट मेकिंग द वाइडर इम्पैक्ट। आई वॉज डूइंग गुड इन मीडिया कंपनी, ठीक है, बट देयर वॉज ए क्वेश्चन विद इन मी, एक ऐसा रेस्टलेसनेस था कि मैं कहीं ना कहीं छूट रहा हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग दैट आई कैन यू नो इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ओवर द टाइम बिलियंस ऑफ पीपल। या फिर ऐसा लगे यार, जब मैं 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगे आई हैव क्रिएटेड समथिंग, अ बेबी, आई पुट माई हार्ट इन इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो वो फीलिंग ना कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। विद मैकटैब आई हैव गॉट दैट वाइब कि इफ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट एट लीस्ट सम वे और अदर आई एम गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी to touch the life of millions of people, and for me this is a biggest achievement. For me working on any company or anything
मोटिवेशन नेवर बिन इज द मनी. ठीक है, आज भी लाइक मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और भी जो मनी इज नेवर द मोटिवेशन फैक्टर. मोटिवेशन इज कि मैं लोगों की लाइफ बदल रहा हूँ, लोगों की लाइफ एम्पावर कर रहा हूँ. मेरी वजह से बहुत से लोग एग्जाम्स निकाल रहे हैं. आई हैव गॉट 10,000 प्लस लव लेटर फ्रॉम पाकिस्तान. कैन यू बिलीव दैट? 10,000 प्लस लव लेटर फ्रॉम पाकिस्तान. इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज हैव अ हेट रिलेशनशिप. वी लव टू बैश ईच अदर, बट इन आवर डायनेमिक्स आवर एंटायर कस्टमर सपोर्ट टीम इज वेरी हैप्पी. वी गेट लॉट ऑफ लव लेटर फ्रॉम पाकिस्तान दैट यू हैव रियली सॉल्वड आवर प्रॉब्लम. सो दिस इज द अचीवमेंट फॉर अस. मनी इज सेकेंडरी. पैशन, उनकी लाइफ आसान कर रहा हूँ, उनकी जिंदगी बना रहा हूँ, मेरी वजह से वो खुश है. समहाउ आई एम ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस इज द रीजन टू वर्क रियली हार्ड. ओके सर, सो मुझे ये सब आपकी स्टोरी जानने के बाद मेरे अंदर ये था कि आप चैलेंजेस से डरते नहीं हो. नॉर्मली जो फाउंडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो थोड़ा डरते हैं कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो फर्दर क्या हो सकता है. मे बी आई विल अगेन फेल इन द नेक्स्ट डोमेन, मे बी अगेन फेल द नेक्स्ट कंपनी. बट आपने उस चीज को लगातार फेस किया और आपने ब्रेक करते करते आज ये 200 करोड़ प्लस के वैल्यूएशन का कंपनी आप रन कर रहे हो. तो ये डेयरिंग कहाँ से लाते हो आप? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट डेयरिंग. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छत से कूद जो है. यू हैव टू टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क. लाइक कि अगर मैं छत से कूदूंगा तो मरूंगा नहीं, मेरे पैर ना टूटेंगे. सो यू हैव टू लाइक इन लाइफ नथिंग इज सेफ जोन. ठीक है, अगर आप लाइफ में सब कुछ इतने सावधानी से कर रहे हो कि आप कहीं फेल नहीं हो रहा ना, तो बाय डिफॉल्ट आप लाइफ में फेलियर हो. बाय डिफॉल्ट फेल हो. आप कार चलाने के लिए रोड पे निकलोगे, यू आर ड्राइविंग द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट पॉसिबल स्किल. बट व्हाट इफ समवन माइट कम एंड क्रैश यू, यू गॉट अ स्क्रैच. लाइफ इज लाइक दैट. आप कुछ भी करो, देयर इज चांसेस ऑफ बीइंग फेलियर, बीइंग पुट डाउन. सो ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा. लॉजिक दो होता है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है और आप किसके लिए रिस्क ले रहे हो. इफ आई एम सैक्रिफाइसिंग माय लाइफ फॉर समथिंग, इज इट वर्थ टू टेक दैट रिस्क? और क्योंकि मैं सबको रिस्क ले रहा हूं तो मैं भी रिस्क ले लूं, सबको मैं भी जाके अपना दीवार में सर फोड़ू, दैट्स नॉट लॉजिकल. सो कैलकुलेटेड रिस्क इज इंपॉर्टेंट. ओके, और सर जैसे आपकी कंपनी आज देखा जाए कितने अच्छे स्तर पे है, भारत की पूरे पैन इंडिया के हम ग्लोबली आप अभी रन कर रहे हो, 92 कंट्रीज में इनकी मैकटैप अभी ऑपरेट हो रही है. तो फिर सर आप मैकटैप में ऐसा क्या नया आप लाए हैं टेक्नोलॉजी जो कि बाकी जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको बीट कर रही है? जैसे बाकी कुछ ब्राउजर्स भी थे जो कि किसी और कंट्रीज के थे, बट आज इंडिया खुद का ब्राउजर यूज करने के लिए मोटिवेटेड है क्योंकि उन्हें वो चीज मिल रही है. तो ये कैसे पॉसिबल? आई थिंक हमारा जो इनोवेटिव सोल्यूशन है, व्हाट इज आवर यूएसपी, आवर वन टैप विजुअल मीनिंग, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वेंशन अक्रॉस द ग्लोब. वी हैव आल्सो अप्लाइड फॉर द पेटेंट. ये हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. पढ़ना वॉज आर बेसिक राइट. पढ़ना जिंदगी को लोगों का आसान बनाता है, बट इवन हैविंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज पीपल वर नॉट एबल टू रीड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. सो हमने लैंग्वेज बैरियर के जो सोल्यूशंस थे हमने उसको बड़ा ना इनोवेशन से सॉल्व किया है कि इफ यू स्टक एट एनी वर्ड आई विल गिव यू द विजुअल. विजुअल आपके दिमाग में जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, आपको याद रहेगा. सो दिस इज द सोल्यूशन, दैट्स द रीजन पीपल जो अदर ब्राउजर जो काम कर रहे हैं, अदर डॉक्यूमेंट एडिटर जो काम कर रहे हैं, अदर डिक्शनरी जो काम कर रहे हैं, मैकटैप ऑलरेडी कर रहा है. बट वॉट इन एडॉन वी आर गिविंग इज वी आर गिविंग यू द पावर ऑफ विजुअल. And visual is here to stay. So we are making your life very magical with the help of visual. So basically, इनका जो USP point है for the company वो है कि ये एक visual meaning आपको on the spot दिखा रही किसी भी word का. आपको अब तरह तरह के app को visit नहीं करना पड़ेगा एक solution के लिए. आप directly MacTap पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको different different जो आप बाकी app provide कर रही है वो service आपको MacTap on a single app provide करके दे रहा है. और सर अगर देखा जाए तो फिर भारत में अभी for the applications अभी स्टार्टअप इंडिया आफ्टर 2014 अभी स्टार्ट हुआ है, काम 16 स्टार्ट हुआ है. बट आज भी बिहार जैसे जगहों पर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हम तो लोग वहाँ बोलते हैं आई थिंक टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, कुछ खोलने का बात कर रहा होगा, बट दे आर नॉट लेटिंग दैट फ्रॉम द टेक पार्ट. तो ये जो आपके लिए था कि मुझे टेक में काम करना है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सीखना है, करना है, तो क्या बाकी को भी आप अभी क्या सजेशन देना चाहोगे जो बिहार से ऐसा कुछ सोच रहे हैं, उन्हें कैसे इस चीज को इनिशियल में बूटस्ट्रैपिंग आपने भी किया होगा उनके लिए कैसे हो सकता है पॉसिबल? चीज टेक वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है हाउ बिग इंपैक्ट यू कैन मेक. ठीक है, इट्स ऐसा मीट हो गया कि ना स्टार्टअप रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, नो यू कैन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू लेवरेज इट टू बिगर एक्सटेंट, बट टेक्नोलॉजी शुडंट बी द पार्ट. बहुत से स्टार्टअप हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, दैट कैन बी हैव मेक वाइडर इंपैक्ट. यू कैन डू द स्टार्टअप इन एनी काइंड ऑफ थिंग. You can use technology to leverage that. Huh? In a particular kind of, like in, if I talk about in the context of Bihar, you need to, whatever you are doing, you need to think about the bigger audience. Like, you know, you should not think about ki just 10,000 logo ko isse impact ho jayega. That's not, you know, that's not
this is not the way you make impact. You have to think about the wider set of people. Maybe 10 50 lakh log 1 crore log liye message aise koi problem face kar rahe hai kya ya mere solution se 1 crore kam se kam logo ki zindagi aasan ho rahi hai kya like ye sawal aap se puchna padega. If you want to run a startup is a very different thing. Startup is not just a typical business, like you know, you open a private limited company and you call yourself a startup. You can't be the flag bearer. In today's context, a startup is like, you know, making the impact, simplifying someone's life or empowering life of a lot of people or solving a wider scale problem or it has potential to scale at a very big yardstick. So जो चार पांच कैटेगरी है, do you fall into that? You need to understand. You need to figure it out. तभी आप बोलते तुम नहीं, ये मेरा स्टार्टअप है. You just can't open a shop and you'll say that is a startup. This is not a startup. This is a business idea or a business. आपने शुरू कर लिया. This is a very different thing. But the startup is in today's context is a very different thing. Yeah. So basically यहाँ पर इनका ये कहना है कि startup जो आज के time पे अगर आप पीपल्स की किसी नीड को पूरा कर रहे हो, उनकी किसी सॉल्यूशन आप लाके दे रहे हो उनको, या फिर आप इनोवेशन से कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज स्टार्टअप फॉर दिस टाइम. सर, आने वाले टाइम पे अभी मैगटैब ऐसे क्या टेक्नोलॉजी और उसमें ऐड करने वाली है, या फिर अभी आपकी अपकमिंग 5 years में क्या प्लान्स होने वाले हैं रिलेटेड टू मैगटैब? वे बहुत कुछ कर रहे हैं. हम इंडिया का खुद का नेटवर्क बना रहे हैं, हम डायनेमिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वी आर गोइंग टू द डेस्कटॉप. We are going to have thousands of people. We are going to have a lot of offices across this country, maybe across globe. इस साल का हमारा गोल है कि एक इंटरनेशनल ऑफिस होना चाहिए, probably in Dubai or maybe in Singapore. This year probably we will have. और over the time we are very optimistic about a lot of things that, you know, we are going to use artificial intelligence to go into the those kind of language that is untouched, you know, not touched by Google or, you know, Microsoft. So we are also going to work on those indigenous languages. So we are very excited. So हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप कंपनी जो कि एक समय स्टार्टअप थी, अब तो खैर ये 200 करोड़ प्लस वैल्यूएशन कंपनी बन चुकी है और पूरे भारत के पूरे विश्व में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में और काफ़ी सारे जो इनकी इनोवेशंस है उस ऐप में आने वाली है. ये लोग कई सारी जगह और भी मूव कर रहे हैं और इनफैक्ट सर अभी शायद ना हार्डवेयर में भी कुछ काम कर रहे हैं. yes, तो ये काफ़ी सारी कंपनीज और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय पे हो सकता है सर काफ़ी सारी कंपनी से जुड़े रहे. तो आज हमारे साथ थे सत्यपाल सर और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.